यूपी के मिर्जापुर में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा के साथ मझवा विधानसभा ग्रामवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पर मतदाताओं ने भी अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि मतदाताओं को अभी तक अपने विधायक से इस बात की अपेक्षा थी कि वह उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मतदाताओं ने खुलेआम विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। वहीं एक मामला मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा मगररदा कला गांव में प्रकाश में आया है, जहां पर ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का पूरा मन बना लिया है। मझवा विधानसभा के मगररदा कला के ग्रामवासियों ने 2022 सामान्य विधानसभा का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष बीत गया है, लेकिन हम लोग आज तक आज़ादी के जंजीर में बंधे हुए हैं। वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में चुनाव के समय वर्तमान विधायिका सुचिस्मिता मौर्य ने ग्रामवासियों से वादा किया था कि लेकिन चुनाव जीतने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज तक वर्तमान विधायकों ने कभी गांव में झांकने तक नहीं आए। हाथों में तख्ती लेकर लगभग 3000 वोटरों ने चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। कार्यों ने तो कहा कि हम लोगों ने गांव-गांव तक जो है विकास के मार्ग फैलाए हैं। आपका गांव कैसे बच गया? हम लोगों का गांव बचा है। यहां पे हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आपके यहां जो है कि वन विभाग है, वन विभाग के चलते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन कहता है ये बात? यहाँ जहाँ जाओ, किसी के पास जाओ, अगर हम लोग अपनी समस्या को रखते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आप जो है कि वन विभाग का समस्या है, जिसके कारण आपका गांव का समस्या नहीं किया। आप लोगों ने लिखा पढ़ी गांव के प्रधान जी किए, BDC लोग किए, बोले कि हम लोग लिखा पढ़ी करके देते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप यहाँ के नागरिक होने के नाते आपने कभी किसी से कहा, किसी उच्च? बिल्कुल कहा। हमारे यहाँ के जो है कि पूर्व में पहले BSP जिला अध्यक्ष शशिभूषण जी थे, वो भी प्रयास किए और कहे भी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। हम लोग तो चाहते थे कि हमारे गांव के जिला अध्यक्ष थे, जोनल कोऑर्डिनेटर थे BSP के, और पूरी प्रयास था कि यहाँ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और क्या मूल समस्या है यहाँ का? मूल समस्या हम लोगों का यही है कि न यहाँ किसी प्रकार का हम लोगों का रास्ता है, न समय से अब यहाँ है कि रास्ता के न होने कारण बच्चों की पढ़ाई का आदेश नहीं हो पा रही है, और किसी रास्ता न होने के कारण औरतें जैसे जाते हैं डिलीवरी का भी समस्या है, समय पे गाड़ी भी नहीं आती है यहाँ पे। चुनाव नज़दीक जा रहे हैं, वन विभाग है, मिर्जापुर से हनुमना जा रहे हैं, क्या है नहीं वन विभाग, सब कुछ हर जगह का रोड बना है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? जोन भाई हम बोल रहे हैं भाई, पक्की नहीं होगा तो ढोका का खरंजा लगवाइए, लेकिन कुछ भी करिए। पानी का भी यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है, टंकी आज तक जोन भाई चालू नहीं हो रहा है, जो बना हुआ है पहले से 5 साल वो भी ऐसे ही पड़ा है। जोन भाई पाइप हंड्रेड जोन भाई सब एक भी नहीं जोन भाई चल रहा है, ट्यूबवेल का भी समस्या है, कितना लोग सिंचाई के लिए परेशान है, जोन भाई सिंचाई नहीं हो रहा है जोन भाई से ढंग से। ये सारी बातें मौखिक हुई हैं कि लिखित आपने किया है? नहीं, हम लोग लिखित किए हैं, हम लिखित किए हैं जोन भाई, लिखित दिए हैं, अनुप्रिया पटेल को दिए थे, सुष्मिता मौर्या जी को दिए थे, और इसके पहले भी जो जोन भाई एक बार सपा की सरकार थी तब भी पर हम लोग किए थे बहिष्कार, उस समय भी फिर भी नहीं हो रहा है आपका। हमारा 35 उम्र है। कई साल से आप BDC हैं? हम जिला पंचायत हैं, BDC हैं? नहीं, क्षेत्र पंचायत BDC इस समय वर्तमान में है। अच्छा, हाँ, तो आपने ये समस्या सबको रखी? हाँ, गांव के विकास के लिए हम सदैव लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। मालूम है आपके एक वोट का कितना महत्व है? मालूम है, जब हमारा विकास हो ही नहीं रहा है तो हम जोन पर वोट ऐसे देते, हम भी चले जाएंगे शिवपुर, बच्चे फिर आएंगे वो भी चले जाएंगे, ऐसे रहेगा रोड गड्ढा। ये शिवपुर क्या है? गंगा घाट, मसान घाट में चलेंगे, मसान हो जाएगा, दफन हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान है क्या, मेरा देश नहीं काम यहाँ पर हो रहा है, हर जगह रोड पर जोन बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं जोन बन रहा है भाई, क्या समस्या है? आपकी बात उच्च अधिकारियों तक जाती है या डायरेक्ट CM तक जाती है, तो आप उन तक क्या बात? CM तक हम जुट नहीं पाए हैं अभी, इसीलिए ये सब किया जा रहा है कि हम CM तक भी अब जुटेंगे, जबकि बात फिक्स
किया गया है, कार्रवाई किया गया है। आपकी बात क्या कहना चाहेंगे उनके? हम चाहेंगे सीएम साहब से कि हमारा ये रोड बनवाएं, किसी प्रकार के मेरा इस समस्या को दूर करिए, तभी वोट यहाँ पर पड़ेगी, नहीं तो इस साल इस वर्ष बहिष्कार रहेगा हमारा विधानसभा का। इसमें कम से कम तो 45 साल की हमारी उम्र हो गई, इसी तरीके के रोड हम लोग देख रहे हैं, 5 साल में वोट देना ही पड़ता है। लेकिन इस बार हमारे ग्राम सभा के लोगों ने मन बना लिए हैं कि इस वोट का बहिष्कार कर दो, अगर ये रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस रोड का बहिष्कार कर देंगे। जब तक लिखित नहीं देंगे लिखित देने वाला कौन है? पीएम को भी बात नहीं माननी होगी, वो क्या लिखित देंगे? चुनाव है दे देंगे, कोई रूलिंग पार्टी का आदमी लिखवा देगा उनसे? तो क्या लगता है कि अगर जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि यहाँ के उच्च अधिकारी अगर कह देंगे तो हम रोड मतलब वोट डालना चालू कर देंगे? अब डीएम साहब बोल देंगे ठीक है, लेकिन फिर भी लिखित देंगे फिर भी विश्वास कम रहेगा, लिखित देने पर भी विश्वास कम रहेगा। यही सब समस्या है सर यहाँ, और कोई समस्या हम लोगों के पास नहीं है, केवल रोड की समस्या है। अच्छा, एक रोड की समस्या आप लोगों की सही हो जाए तो इससे क्या विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग किसान आदमी यहाँ से हैं, हम लोग मंडी जाते हैं सब्जी लेकर के, आधा फूट जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यहाँ कोई सुविधा है आपके? स्वास्थ्य का भी कोई सुविधा नहीं है सर, हम लोगों को जिला पर जाना पड़ता है किसी तरीके से, लोकल किसी अगर डिलीवरी भी है सर ना, तो रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है। अभी नेशनल सड़क बना है आपके यहाँ बगल में? तो बगल में बना हुआ है सर, 4 किलोमीटर जाने में तो अब तब लग जाता है, मतलब वहाँ तक जाने के लिए भी सुलभ रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। इसके पीछे का कारण क्या है, कोई आज तक आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं बन पाया? कारण तो बताए सर, कारण तो यही बताया, ये वन विभाग में लगता है, वन विभाग को जमीन दिया जाएगा ग्राम समाज से, तब ये रोड बनेगी। अच्छा, यहाँ तो और भी कई जगहों पे रोड बनी हुई है, केवल यही एक जगह आपको लग रहा है कि रोड नहीं बन पा रहा है? हो डिलीवरी हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सर यहाँ पे, हम लोग कैसे चल रहे हैं सर हम जानते हैं, आप आए होंगे तो देखे होंगे रास्ता कैसा है सर। तो वर्तमान सरकार ये कह रही है जी सबका साथ सबका विकास, सिर्फ आप लोग के सर। सर सुनिए, हम पाकिस्तानी है सर, सरकार को दिख रहा है हम पाकिस्तानी है, ठीक है हम पाकिस्तानी से ही तो वोट नहीं पड़ेगा सर यहाँ, हम बहिष्कार करते हैं वोट का। किस वजह से आप लोग वोट बहिष्कार करेंगे सर? आप ही बताइए, जब रोड नहीं सर तो किस बात का सर अधिकार है कि वो लोग आए? सर पिछली बार आई थी माननीय विधान सभा के जो पूर्व जो है अभी मझवा के आपके विधायिका जी आई थी, बोली हम बनवा देंगे, हम लोगों ने बोला ठीक है, बीजेपी के हैं अनुप्रिया भी जी हैं सांसद माननीय हैं, वो भी बोली थी हाँ ठीक है हम बनवा देंगे। सर बताइए कहाँ विकास हुआ है, हम क्यों वोट दें सर? आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई आया नहीं, जीतने बाद कोई जाता आता ही नहीं है, मगर तक गांव ही नहीं है। क्या हुआ सर यहाँ पे? माननीय शशिभूषण जी पहले के थे, वहाँ के यहाँ के वो थे विधानसभा पूरे मिर्जापुर जिला का अध्यक्ष थे सर, उनका भी नहीं हुआ। किसके द्वारा कहने पर आप लोग वोट देने? सर देखिए हम बताते हैं, अगर यहाँ के डीएम और एसपी आए